अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे 24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आदाब नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है ऐसे 24x7 न्यूज़ में। एसओटी शमशाबाद जोन और एयरपोर्ट पुलिस ने मिलकर एक अफेंडर को किया गिरफ्तार और इसके कब्जे से 2 पिस्तौल और 44 बुलेट्स जब्त किए। तफसीलात के मुताबिक गगन पहाड़ का रहने वाला फारूक, जो रियल इस्टेट का कारोबार करता था, मुलजिम फारूक 2005 में सऊदी अरेबिया रवाना हो गया था और 2011 में हिंदुस्तान वापस लौटा था। हिंदुस्तान लौटने के बाद फाइनेंसर और रियल इस्टेट का कारोबार कर रहा था। 2016 में मुलजिम ने राजेंद्र नगर से एक पिस्तौल खरीदा था। इस पिस्तौल से 2 अफराद का कत्ल भी किया था, एक महबूब नगर में और एक कलवा कुर्ती में। इस कत्ल के इल्जाम में वो जेल की सजा काट कर भी दोबारा वो गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा था। फारूक नामे इस मुलजिम के खिलाफ 11 केसेस दर्ज है, यानी जुमला वो 11 केसों में मुलविस बताया गया है। कलवा कुर्ती, महबूब नगर, मुंगूर, सैफाबाद एयरपोर्ट पीएस के अलावा नामपल्ली पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ केसेस दर्ज है। इस मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इसके कब्जे से 2 पिस्तौल और 44 बुलेट्स जब्त कर लिए गए। इसकी गिरफ्तारी मस्कुरा ऑपरेशन बीएम स्टीफन रविंद्र आईपीएस सीपी साइबराबाद और सी की निगरानी में अमल में लाई गई। जी संदीप डीसीपी एसओटी साइबराबाद, एन प्रभाकर एसीपी शमशाबाद, एसपी विजय कुमार आरजीआई के अलावा एसओटी शमशाबाद जोन का अमला काबिल तारीफ काम अंजाम देकर इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात कमिश्नर ऑफ पुलिस शमशाबाद जोन एन प्रकाश रेड्डी की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फारूक अहमद अलियास जावेद अलियास सैतान फारूक एक गगन पहाड़ में रहने वाले हैं। ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और नेटिव महबूब नगर जिला वाले हैं। इन्होंने 2005 में सऊदी अरेबिया गए थे और उधर काम करके फिर 2011 में वापस आए थे। उसके बाद इधर शादी करके कलवा कुर्ती में महबूब नगर में रह रहे थे और फाइनेंस का बिजनेस और रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे। 2016 में जो फिनेंस इश्यूज के बारे में एक बंदूक खदीर राजेंद्र नगर से एक बंदूक खरीद के दोनों को एक ही दिन में मर्डर किया था, एक कलवा कुर्ती में, एक महबूब नगर में। उसके बाद फिर जेल से वापस आने के बाद और 3 पिस्टल्स उत्तर प्रदेश में मेरठ में जाके लेकर आके फैसल बोल के एक बंदा से इधर फिर रॉबरीज, एक्सट्रॉशंस और सेटलमेंट्स, रियल एस्टेट का सेटलमेंट्स कर रहा था। पूरे इनके ऊपर 11 केसेस अभी तक था, जिसमें कलवा कुर्ती में था, महबूब नगर में था, वंगूर में था, सैफाबाद एयरपोर्ट पीएस, हुमायूं नगर, नामपल्ली और एयरपोर्ट केस, ये सभी में पूरा 11 केसेस अभी तक है। और इन्होंने 2018 में हैदराबाद सिटी पुलिस पीडीएक भी इनके ऊपर डाला था और वो 2019 में फिर वो वापस आए थे। आने के बाद फिर ये फैजल बोल के मेरठ का रहने वाले हैं, उनसे 2 फायरआर्म्स फिर खरीदे थे। ये जब जेल में था तब एक जाबर और कलीमुद्दीन अलियास एकता बाबा बोल के इनसे मुलाकात हुआ। इन लोगों से बातचीत में पता चला कि मुर्तजा बोल के रविशीटर है राजेंद्र नगर का, उनके वास्ते हमको प्रॉब्लम है बोल के ये लोग बोला थे। फिर 2019 में जब बाहर आने के बाद ये 2 वेपन इन्होंने खरीदा है, खरीद के 35,000 रुपीस में 2 वेपन खरीद के 44 राउंड्स भी लिए थे। लेके उनको डाउट आया कि मुर्तजा इनसे मर्डर करते हैं बोल के, इससे पहले उनको ख़त्म करना है बोल के वो रखी भी कर रहा था।